बीजेपी से खुश नहीं है, जो उनके विधायक थे निवर्तमान नैनपाल रावत उससे खुश नहीं है। नहीं, बीजेपी सरकार से ही खुश नहीं है। बीजेपी और रही नैनपाल की बात जी, नैनपाल तो जो है कि ये तो एक मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, नशीला आदमी है ना। रावत ने, नैनपाल रावत ने साफ कहा धोखेबाजों की पार्टी है बीजेपी पार्टी। अगर नैनपाल रावत निर्दलीय जीत जाते हैं तो क्या लगता है दोबारा से समर्थन देंगे? किसी भी सूरत में जो है नैनपाल रावत जो है नहीं जीत सकते। कौन सा इलाका लगता है पृथलागढ़? ये पृथलागढ़ का गांव फतेहपुर बलोच लगता है। फतेहपुर बलोच, हाँ जी हाँ जी। इस बार किसका माहौल लग रहा है? इस बार यहाँ पे तो इसका कांग्रेस का माहौल लग रहा है जी, क्योंकि इसमें कुछ काम ही नहीं हुए। अच्छा, मेरा A61 है और कहते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने ISO को पैसे लेते देखा है। अपने MLA हैं, डेली यहीं से निकाल वार्ड करते हैं, मूलचंद शर्मा जी भी निकलते हैं, लेकिन रोड का कोई विकास नहीं। वो कितना बुरा हाल है जी रोड का। कब से है ये टूटी हुई सड़कें? बहुत दिन हो गए ना। तो हमने तो जवाबन से आया गा माए। विधायक बता दे कौन थे विधायक यहाँ के? विधायक कभी कोई आ जा, कभी कोई आ जा, आने के टाइम पर तो थोड़ा बहुत दिखा दे, फिर बाकी तो अपने बैंक में जमा करता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। फरीदाबाद लोकसभा की 9 विधानसभा से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और जान रहे हैं। देश रोजाना की चौपाल सभी विधानसभा में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि माहौल क्या है। फिलहाल हम पृथला विधानसभा पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि पृथला विधानसभा की जनता के मन में क्या है, अब तक पृथला में कितना विकास हुआ है और अब क्या बड़ी समस्याएं हैं। वैसे तो हम रोड पर खड़े हैं और एक बार दिखाना चाहूँगी पृथला के हालात जो हमने देखे हैं, सड़कों के हालात जो हमने देखे हैं। पूरा पृथला हम घूम रहे हैं जगह जगह जाकर। जैसे ही हमने पृथला में एंट्री करी तो कुछ सड़कें हमें टूटी हुई दिखाई दी, फिर भी जानेंगे, बीच में लोगों के बीच उतरेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जो यहाँ पर निवर्तमान विधायक हैं नैनपाल रावत कितना विकास करा पाए हैं। पृथला से नैनपाल रावत निर्दलीय खड़े हुए हैं, भाजपा से टिकट नहीं मिला और भाजपा को वो धोखेबाजों की पार्टी बताते हैं। इसके अलावा रघुवीरा तेवतिया कांग्रेस से हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और सामने बात करूँ तो निर्दलीय दीपक डागर भी पृथला से मैदान में उतरे हुए हैं, चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा भी बात करें तो कई निर्दलीय चेहरे हैं जो पृथला से चुनावी मैदान में हैं। तो जानेंगे पब्लिक से क्या पब्लिक के मन में है, क्या विचार है, कितना विकास है। तो चलिए हमारे साथ पृथला की सड़कों पर। किसका लग रहा है इस बार पृथला विधानसभा से बात? भाई उसमें तो देखो टेक चंद कार इनका ही है दोनों का, या को रघुवीरा को, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी हम थोड़ी एक वोट पे थोड़ी पहुंच जाएगा। अच्छा, विकास हुआ है पृथला का? देखो हमारे गांव में तो सारे टूटे ही पड़े जो बात है, हमारे गांव में इतना काम नहीं हुआ ढंग से। ये 2.5 साल हो गए ये रोड ही बनने में ना आ रहा, ये 15 किलोमीटर ये टुकड़ा ही नहीं बन रहा इसका। आते हैं कभी, आए कभी अपने शासन भाई? मेरे हिसाब से तो ये तो नहीं आया कभी कृष्ण पा यू नैन पा। हाँ कभी भी नहीं आया, मतलब गांव में तो देखो कभी आया नहीं, गांव में तो आया नहीं कभी भी नहीं। अरे मैंने पृथला को चमका दिया है, चमकादियों को क्षेत्र भी तो लंबा हो रहा है यहाँ से। मैं पृथला पलवल में हो गया जाके, और गरीब आदमी क्या करा, गरीब आदमी के लिए क्या कहा करे आदमी के लिए? अरे हम पर रावत को सब हो गए, ये क्या करते हैं ये? तुम क्या करते हो? हम तो देखो जी कमाते खाते हैं, क्या करा सकेंगे? क्यों बताओ गरीब आदमी के लिए क्या करा इन ले, आज तक गरीब आदमी सपोर्ट करी? अरे मिले हैं तुमसे नहीं? नहीं मिले अभी नहीं। अच्छा यहाँ शिक्षा वगैरह का क्या? पढ़ाई पढ़ाई तो सही है, लड़कियों का भी है, लड़कियों
है यहाँ पर अगर बात। सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क नहीं बन के देरी, तो 2.5 साल हो गए पूरा काम। ये रेत है ना, ये ऐसे उठ रहा है 2.5 साल से, इतना मतलब कंटिन्यू। पिछला क्षेत्र है जी। कितना विकास हुआ है पिछला में आपके सामने है जी? विकास तो आप भी देख रहे हो, विकास तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ जी, चुनाव है, 5 तारीख को इलेक्शन है, क्या लगता है कौन चंडीगढ़ तक पहुंच रहा है, और आपको क्या लगता है कि वो अगर बनता है विधायक तो पिछला का विकास होगा? देखो जी, जो अच्छा काम करेगा वही विधायक बनेगा जी। हाँ जी, उसको ही वोट देंगे जो। कौन लग रहा है कि कौन अच्छा काम कर सकता है, इतने कैंडिडेट खड़े हैं? देखो जी, अभी तो क्लियर कोई नहीं है, बाकी जिसको भी सही लगेगा वोट उसी को दिया जाएगा, जो विकास करेंगे जी, जो काम करेंगे। मतलब पिछले 5 सालों की बात करूँ तो यहाँ कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ जी 5 साल में बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी, बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ के? देखो जी, बड़े मुद्दे यही हैं कि भाई रोड सारी टूटी पड़ी हैं जी, रोड के हालात ऐसे हैं, 2 साल हो गया ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। नैनपाल जी अपने MLA हैं, डेली यहीं से निकाल वार्ड करते हैं, मूलचंद शर्मा जी भी निकलते हैं, लेकिन रोड का कोई विकास नहीं हुआ, कितना बुरा हाल है जी रोड का। देखो जी, किस है? अभी तो आगे पता चलेगा जी, 8 तारीख को चुनाव फाइनल होगा। बाकी टक्कर तो अब की बार कांग्रेस है, BJP है, दोनों में टक्कर है। हाँ, नमस्ते आंटी। नहीं, कुछ पूछने आए हैं आपसे हम। क्या नाम है, पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजवती है। राजवती जी, पृथला की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कैसी हैं पृथला की? बेटा वो पथ बोल क्या कह, यहाँ के हो बाहर के हो आप? यहीं के। सड़क तो बेकार ही पड़ी है। बेकार पड़ी है और क्या? कब से है ये टूटी हुई सड़कें? बहुत दिन हो गए ना। तो हमने तो जवाब से आया गाँव में आए। विधायक बता दे कौन थे विधायक यहाँ के? विधायक कभी कोई आ जा, कभी कोई आ जा, आने के टाइम पे तो थोड़ा बहुत दिखा दे, फिर बाकी तो अपने बैंक में जमा करता है। अब इलेक्शन है, पता है कब है इलेक्शन? 5 तारीख को। 5 तारीख को किसको पहुँचा रहे हो चंडीगढ़ तक? अब हमें ना पता, हमारे जाकर देखो गली बिल्कुल बेकार पड़ी है। अच्छा। बिल्कुल हाँ, क्या हो गया गली में? कलू में पानी भर रहा, घास खड़ी है, कहाँ जाए हम, हमारे जैसे पर लिख लो भी न जा। इस बार क्या मन बना लिया आपने माता जी ने, क्या मन है इस बार? क्या मन है भाई, बन जाएगी तो डालेंगे, कहीं ना कहीं घर में तो रखेंगे ही ना। बेटा बेटा डालेंगे जरूर, लेकिन किसको डालेंगे? जो काम करेगा किसी की डाल देखो, काम करना चाहिए, काम करेगा जब तो हमारा फायदा होगा। बिल्कुल है, स्कूटी लेके जाओ, मोटरसाइकिल लेके जाओ, और रिपट जाए भटदासी गिर जाओ और टूटे टाटे टूट जाओ ले, क्या कर देखो एक बार करो। नहीं आए हैं, घूम के आए हैं, सब में देख के आए हैं, और लोगों से ही पूछ लेते हैं। माता उधर गई कहाँ? कॉलोनी में। सड़कों पे आ रहे हैं हम, वहाँ भी सड़क खराब ही है। अच्छा, देखेंगे चलो। बाबा जी क्या लग रहा है इस बार किसको पहुँचा रहे हैं विधानसभा में? कोई पता नहीं भाई, सब गोलमोल मामला चल रहा है। गोलमोल मामला चल रहा है, साइलेंट वोट है, सब गोलमोल है भैया, कुछ ना पता अभी नहीं। वैसे लग किसका मॉल रहा है इस यहाँ से, दयालपुर से किसका मॉल लग रहा है? दयालपुर से BJP का माहौल है भैया। पृथला से? हाँ जी। कौन खड़ा है BJP से? टेकचंद शर्मा। टेकचंद शर्मा आए? हाँ, कितने बार आए? अच्छा, चलो आप तो वोट मांगने आए हैं, जब जब उनको टिकट नहीं मिला था उससे पहले आए कभी? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, काम वाम भी करवाए पहले? विधायक रह चुके हैं, काम करवाए भैया उन्होंने बढ़िया। श्याम सुंदर सनोपसरी विद्यालय विलेज मानकोल। अच्छा, हाँ पृथला भी लगता है ये? हाँ, पृथला क्षेत्र। क्या माहौल है इस बार यहाँ? जैसे कि आज तारीख 26 है जी, तो 26 का जो है माहौल जो है राजनीतिक माहौल पूछ रहे हैं या कैसा माहौल पूछ रहे हैं? हम राजनीतिक माहौल पूछ रहे हैं। हाँ, माहौल राजनीतिक पूछ रहे हैं आप, तो राजनीतिक किसके बारे में पूछना चाहते हैं? मुझे बस इतना बता दीजिए पृथला में कितना विकास हुआ है? पृथला में विकास जी, मतलब इस BJP सरकार में जी है नथिंग, भ्रष्टाचार नथिंग, भ्रष्टाचार मेरा अनुभव मैं अपने ऊपर ढाल के बानी निकाल रहा हूँ जी। मेरा एज 61 है, और कहते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है जी। मैंने ISO को पैसे लेते देखा है, मेरा
जो है 61 एज है, शिक्षित आदमी हूँ और जो है ऐसा है कि जो विकास जो वाली बात है जी। 61 एज होते भी मेरी वृद्धा पेंशन नहीं। अच्छा। हाँ, किसान सम्मान योजना, वो जो है कि मेरा लड़का आधा एकड़ उसका ये जो है जमीन है उसको जो है अब तक वो वंचित है उससे। रही जैसे मैं आंखों से देखता हूँ कानों से सुनता हूँ, कानों से सुनता भी हूँ आंखों से देखता भी हूँ, मैं तो इससे खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ जो है आवाज़ आती है मेरे पास जी, जी, जी। हाँ हाँ, बीजेपी से खुश नहीं है, जो उनके विधायक थे निवर्तमान नैनपाल रावत उससे खुश नहीं है। नहीं, बीजेपी सरकार से खुश नहीं हूँ। बीजेपी और रही नैनपाल की बात जी, नैनपाल तो जो है कि ये तो एक मैं स्पष्ट वक्ता हूँ जी, नशीला आदमी है। अच्छा, नशीला है ये तो। आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप कैसे लगा रहा हूँ मैं जो मुंह पर कह सकता हूँ, गॉड से डरता हूँ। अच्छा। परमात्मा से डरता हूँ, इंसान से नहीं डरूंगा। ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। अच्छा। हाँ, ये अच्छा नहीं था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ जी प्रतला में? नहीं, कोई विकास नहीं है। तो किसका माहौल लग रहा है इस बार? हाँ, माहौल तो 26 तारीख है आज जी। हाँ, 26 तारीख है, माहौल तो अभी चेंजिंग होगा। अच्छा। हाँ, आज की डेट में वैसे साइलेंट वोट बोलूं मैं? हाँ, साइलेंट वोट है ये। हाँ जी। बाबू जी कुछ कहना चाहेंगे? कहना सही कह दिया। आप बताइए क्या लगता है इस बार, नाम बता दीजिए। अभी तो वोट नहीं कह के नहीं दे रहा, वोट किसको दूंगा जी, बस छुपा हुआ वोट है। अच्छा, हम सब सबके साथ हैं, सबके साथ हैं हम, कोई खर्चे कैंडिडेट के नाम पे वोट देंगे या किसी पार्टी के नाम पे वोट देने वाले हैं? पार्टी के नाम पे वोट मिलेगी, कैंडिडेट को मिलेगी, पिछली बार मिलेगी कैंडिडेट, काम के नाम पे वोट होगा। माहौल बीजेपी पार्टी है जी, और टेकचंद शर्मा जी ने बहुत पहले बहुत अच्छे काम करे इससे पहली योजना में, तो उनका बहुत ज़बरदस्त जोर शोर है सारी बिरादरियाँ। अच्छा। चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई जो है कुम्हार समाज हो, कोई भी समाज हो, यानी कि कुल मिलाकर पूरी तरह से लगे हुए और हर तरह से टेकचंद शर्मा जी बाहर निकलेंगे बिल्कुल जो है। और मंत्री टेकचंद शर्मा जी के नाम पर वोट है या बीजेपी के नाम पर वोट है? देखो जी, टेकचंद शर्मा जी के नाम से भी वोट है, उनका चेहरा भी है, और दूसरा पार्टी भी जो है राष्ट्र लेवल की पार्टी है, पार्टी का तो नाम है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नैनपाल रावत जी जो हैं निर्दलीय चुनाव लड़े थे, समर्थन दिया था बीजेपी को, कितना विकास हुआ है प्रतला का? देखो जी, प्रतले में ना एक ईंट भी लगाई कहीं जी। ना काई के दुख सुख में शामिल हो जब ते बनी हुए। अच्छा। तो उसको कोई जनाधार बेचारे का है नहीं। अच्छा। और उन्हें तो अब की बार जो है इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, पिछली बार इनको इसी सहानुभूति पर जो वोट दी थी, भाई कोई बात नहीं कई बार से लड़ रहा है और ये फिर भी बीजेपी का आइए चलो दे दो इसको, तो पिछली बार बना दिया। अब की बार इनको जो है इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, इलेक्शन के योग्य नहीं थे, क्योंकि ना कोई काम हुआ ना कोई विकास हुआ, कोरोना की वजह से लगाओ या कोई भी है, उनकी परेशान क्या रही वो जाने, लेकिन उनको इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, ये अगली बार इनको जनता अपने आप ले आती, तो इनको जो है इस तरह से बगावतबाजी नहीं करनी चाहिए थी। टिकट ना मिलने पर रावत ने नैनपाल रावत ने साफ कहा धोखेबाजों की पार्टी है बीजेपी पार्टी, अगर नैनपाल रावत निर्दलीय जीत जाते हैं तो क्या लगता है दोबारा से समर्थन देंगे? किसी भी सूरत में जो है नैनपाल रावत जो है नहीं जीत सकते, क्योंकि जनता चाहती है एक बार कोई विकास हो, विकास के कार्य हो, जबकि जो है पार्टी में होने के बावजूद भी, समर्थन देने के बावजूद भी एक भी काम नहीं किया, कहीं कोई ईंट लगाई नहीं, कोई काम किया ही नहीं कुल मिला के, विकास तो दूर की दूर, कहीं किसी से मिला भी नहीं, किसी के दुख सुख में भी शामिल नहीं हुआ। कौन सा इलाका लगता है प्रतला का? ये प्रतले का गांव फतेहपुर बलोच लगता है। फतेहपुर बलोच। हाँ जी, हाँ जी। इस बार किसका माहौल लग रहा है? इस बार यहाँ पे तो इसका कांग्रेस का माहौल लग रहा है जी, क्योंकि इसमें कुछ काम ही नहीं हुए। अच्छा, कांग्रेस से कौन कैंडिडेट? रघुवीर सिंह तेवतिया। तेवतिया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है तेवतिया जी अगर विधायक बन जाते हैं तो प्रतला की क्या बड़ी समस्या है जो सबसे पहले उसका समाधान होना चाहिए? समस्या ये है, ये सारी बेल्ट देहात है, इसमें शहर तो कोई है नहीं जी, तो इसमें ये है कि गांव के रोड है, जैसे ये विकास है गांव के जो कार्य हैं ये होने चाहिए, और तो कुछ है नहीं, नौकरी तो सरकार के पास है ही नहीं। अच्छा। तो यही है और क्या है। अच्छा, कोई सरकारी कॉलेज वगैरह है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है जी।
कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? बच्चे तो बल्लभगढ़ जाते हैं या पलवल जाते हैं, या है ही नहीं कुछ? नहीं, इस एरिया में कोई नहीं है। एक वहाँ पे दूधौला में है। अच्छा, वो भी दूर पड़ता है यहाँ से। और कोई अस्पताल? अस्पताल अब काम चालू हो गया, एम्स की। हाँ जी, हाँ जी, बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, और इसके अलावा कोई आईटीआई वगैरह? आईटीआई है जी। आईटीआई है, हाँ जी, पर वो भी ठीक क्या है, वो बन तो गई है लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी जब बनी थी वो। मतलब ये कह रहे कांग्रेस की राज में? हाँ, उसी के राज में हॉस्पिटल आया था, काम भी अभी चालू हुआ उसका। नैनपाल रावत जी निर्दलीय खड़े हैं? नहीं जी, नील बटे नील है, उसने तो कुछ करा ही ना, उसने तो इस क्षेत्र का बेड़ा ही गर्क कर दिया। काफी नाराज लग रहे हैं यहाँ के लोग नैनपाल रावत। नहीं नहीं, उसने तो सब रही काम बेकार कर दिया जी, जितने जनता ने उम्मीद करके उसको बनाया था ना, उसने सारा बेकार कर दिया। अच्छा, हाँ जी। और दीपक डागर वगैरह का क्या है? ये तो जी अब निर्दलीय है। हाँ, निर्दलीय खड़े हैं तो बहुत हैं यहाँ, बहुत खड़े हैं, लेकिन दोनों की ही टक्कर है, नंबर 99% कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।